हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 10। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर सेकंड पॉलीनोमियल्स। टुडे वी आर डिस्कस डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स। देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना देखना है यहाँ पर। लेकिन इससे पहले जस्ट एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर्स में आपने डिवीजन देखा होगा, 7 में 2 का डिवाइड करने पर 2, 3 6, 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1। तो हमारे पास ये क्या होता है, डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। ऐसे ही हमारे पास पॉलीनोमियल्स में हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, इस केस में जो ये हमारे पास है 7 = 7 को वापस लाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 प्लस 1 प्लस करेंगे। अब देखिए, 2, 3 = 6, 6 पे 1 ऐड किया तो क्या है, 7। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, ये हमारे पास डिविडेंड हो गया, डिविडेंड, 2 हमारे पास डिवाइजर है, डिवाइजर, मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कोसेंट है, कोसेंट, प्लस 1 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है, रिमाइंडर। तो इसे ही हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो एक छोटे से एग्जांपल से आप इस चीज को याद रख सकते हो। तो अब इस केस में पॉलीनोमियल में क्या होगा, हमारे पास इक्वेशंस हो, इक्वेशंस का हम डिवाइड करेंगे। तो इसी फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा पी फॉर पॉलीनोमियल, तो पी एक्स डिविडेंड हो जाएगा हमारे पास, डिवाइजर हमारे पास इसको अज्यूम कर लेते हैं जी एक्स, और मल्टीप्लाई क्यू फॉर कोसेंट qx प्लस r फॉर रिमाइंडर rx। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास इक्वेशन ये बन गई हमारे पास पॉलीनोमियल के अकॉर्डिंग। तो पॉलीनोमियल के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन बनी। अब देखिए, इसमें जो ब्रैकेट में x हमने यूज किया है, ये वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि गिवन पॉलीनोमियल इट मींस इक्वेशन होगा तो उसमें वेरिएबल तो होगा। तो गिवन जो पॉलीनोमियल है वो भी x के x वेरिएबल होगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी x वेरिएबल होगा, कोसेंट में भी x वेरिएबल आएगा, और हो सकता है रिमाइंडर में भी x वेरिएबल। तो हमारे पास देखिए, सबसे पहले डिवाइड करने से पहले इसको डिग्री के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, जैसे कि हमने फैक्टर में भी सीखा था। फैक्टर करने से पहले, स्प्लिट द मिडिल टर्म करने से पहले, हम डिक्रीजिंग डिग्री के अकॉर्डिंग गिवन पॉलीनोमियल को राइट करते हैं। ऐसे डिवाइड करने से पहले जो गिवन पॉलीनोमियल है, सबसे पहले उनकी डिक्रीजिंग डिग्री के अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज कर लेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास डिवाइड की कंडीशन क्या होगी, ऑलवेज पी एक्स, जो हमारे पास पी एक्स, जो गिवन पॉलीनोमियल है हमारे पास पी एक्स, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। इट मींस डिग्री ऑफ पी एक्स, इट मींस जो गिवन पॉलीनोमियल होगा उसकी डिग्री is always greater than or equal to degree of gx। ये हमारे पास कंडीशन ऑलवेज होगी डिवाइड करने के टाइम। कहने का मतलब है, जो गिवन पॉलीनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा या तो डिवाइजर से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन, या फिर इक्वल हो सकती, तब तक हम उसको डिवाइड करेंगे। इसके बाद कंडीशन एक और आती है हमारे पास, जैसे हमने डिवाइड किया, अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो है, इफ आर एक्स जीरो फाइंड हो जाए, रिमाइंडर क्या फाइंड हो जाए, जीरो, तो इसका मतलब है जो जी एक्स है वो पी एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। देन जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। किस कंडीशन में फैक्टर होगा, ध्यान दें, डिवाइड करने पर अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाए तो जी एक्स पी एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ये कंडीशन को आपको याद रखने, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी 1 मार्क्स में पूछ देता है वो रिक्वायर्ड कंडीशन, कि पॉलीनोमियल की जो हमारे पास कंडीशन है वो ऑलवेज उसकी डिग्री गिवन पॉलीनोमियल की ऑलवेज जो डिविडेंड से या तो बड़ी हो या इक्वल हो, तब तक वो डिवाइड जाता रहे। फिर एक कंडीशन हो रही कि रिमाइंडर अगर हमारे पास जीरो है तो इसका मतलब जी एक्स पी एक्स का क्या हो गए, फैक्टर हो। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इससे।
एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, डिवाइड 3x क्यूब प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। अब देखिए डिवाइड करने से पहले आपको गिवन पॉलीनोमियल जिस px और ये gx, ये हमारे पास gx हो गया और ये हमारे पास हो गया px, तो गिवन पॉलीनोमियल है दोनों डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों को डिक्रीजिंग डिग्री के अकॉर्डिंग पहले अरेंज करेंगे। अब देखिए ये अरेंज नहीं है, मैक्सिमम पावर 3 फिर उसके बाद 2 आनी चाहिए थी फिर 1, तो इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले 3x क्यूब उसके बाद x स्क्वायर वाई टर्म्स आनी चाहिए, x स्क्वायर के बाद 1 इट मीन्स 2x और फिर उसके बाद 5। ठीक है, तो देखिए डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग 3 मैक्सिमम पावर फिर उसके बाद 2 पावर फिर 1 पावर फिर x पावर ऑफ 0, उसकी वैल्यू 1 होती है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। अब डिवाइड करना है gx का, लेकिन gx भी हमें डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करने, सबसे पहले मैक्सिमम पावर x स्क्वायर उसके बाद 2x फिर उसके बाद 1, अरेंज करने के बाद हम डिवाइड करेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। अब देखिए अरेंज कर लिया हमने, अब हमें डिवाइड करना है, हमें स्टार्टिंग टर्म से मतलब है दोनों 3x क्यूब एंड x स्क्वायर, यहाँ पर हम रफ करेंगे 3x क्यूब में स्टार्टिंग टर्म्स डिविडेंड की स्टार्टिंग टर्म्स में डिवाइजर की स्टार्टिंग टर्म्स का हम डिवाइड करके देखेंगे कि वैल्यूज क्या है। 3x क्यूब में x स्क्वायर पर डिवाइड किया तो यह आएगा हमारे पास 3x, x क्यूब में से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1x बचा, इट मीन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, हमारे पास क्या है 3 है, 3x को कोसेंट में राइट कर दें। देखिए इजीएस्ट वे पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म से मतलब है, फर्स्ट टर्म में हमने दोनों की फर्स्ट टर्म में डिवाइड करके देखिए डिविडेंड में डिवाइजर का डिवाइड किया 3x है, 3x को हमने कोसेंट में राइट किया। अब इस 3x से डिविडेंड को डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके डिविडेंड के नीचे राइट करेंगे, लेकिन याद रखना पावर्स के नीचे पावर्स राइट करनी, जैसे क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स एंड कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट। 3x को x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कंप्लीट से मल्टीप्लाई करते राइट करना है, देखिए रफ में मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करते। साइन रूल आपको याद है, प्लस को सेम साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस और अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, सेम साइन मीन्स प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आए, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस। ये प्लस तो रिजल्ट पॉजिटिव है, स्टार्टिंग टर्म्स के साथ हम प्लस का साइन यूज नहीं करते जनरली, 3x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 3x स्क्वायर x इसकी पावर 1 पावर रूल से मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1 है, बेस इक्वल है तो हमारे पास पावर प्लस हो जाती है, 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी इसकी पावर 3, x की पावर 3 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 इसकी पावर 1। अब देखिए बेस दोनों के इक्वल है तो पावर प्लस हो जाएगी, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर 3x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3x, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा हमारे पास 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको डिविडेंड के नीचे राइट कर देंगे पावर के अकॉर्डिंग 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। इसके बाद आपको क्या करना है, अपोजिट साइन करना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेम ये प्लस ये माइनस, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, बड़ी वाले डिजिट के साथ साइन किसका है माइनस का, तो रिजल्ट माइनस का है। 6 में से 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे 5x स्क्वायर, ये प्लस का 2x ये माइनस का 3x, बड़ी वाली डिजिट तो इसमें से 3x है इसके साथ साइन माइनस का है तो रिजल्ट माइनस का आने वाला है। 3x में 2x माइनस करेंगे तो 1x मींस x ही होता है, 1 को x से मल्टीप्लाई करके राइट करोगे तो x ही आएगा, और जो बची हुई टर्म्स है हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स है प्लस 5, इसको एज इट इज राइट करो। अब वही काम इसके स्टार्टिंग टर्म्स से मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज, ये भी और ये इसके स्टार्टिंग टर्म्स और इसके स्टार्टिंग टर्म्स से मतलब माइनस के 5x स्क्वायर में x स्क्वायर के डिवाइड करके देखेंगे क्या आएगा, माइनस 5x स्क्वायर में
एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आएगा रिजल्ट माइनस फाइव। डिवाइड करने पर जो आएगा उसे हम परसेंट में राइट कर देते हैं माइनस फाइव। अब माइनस फाइव से इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे राइट करेंगे, प्रोसेस वही है, रिपीट करना है। एक्स स्क्वायर, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस फाइव से, माइनस फाइव से करना है। प्लस माइनस माइनस होता है, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, टू फाइव जा टेन एक्स प्लस माइनस माइनस, फाइव वन जा फाइव। अब राइट कर देंगे हम टर्म्स के नीचे टर्म्स, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन करते हैं, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, अपोजिट साइन ऑलवेज। यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे, माइनस प्लस ये कैंसिल। अब देखिए प्लस का टेन एक्स और माइनस का वन एक्स, पॉजिटिव जो साइन है वो बड़ी वाली डिजिट के साथ है तो पॉजिटिव आएगा हमारे पास रिजल्ट। टेन एक्स में से वन एक्स माइनस करेंगे, प्लस का नाइन एक्स। जनरली आगे वाले डिजिट के साथ प्लस साइन यूज नहीं करते, लेकिन पॉजिटिव माना जाता है नाइन एक्स। अब देखिए प्लस फाइव और प्लस फाइव, ये प्लस टेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाइन एक्स प्लस टेन रिमाइंडर है, जैसे हमने कंडीशन राइट किया आपके पास, डिग्री ऑफ पी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। तो पी एक्स की डिग्री ऑलवेज जी एक्स से या तो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए इसकी डिग्री क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, वन है, तो यह रिमाइंडर इसकी डिग्री क्या हुई, वन है, इसकी डिग्री वन है। और यहाँ पर देखिए इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, टू। इस केस में अब इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पर टू। अब देखिए वन और टू, जी एक्स की डिग्री ज्यादा हो गई पी एक्स, लेकिन कंडीशन ये फॉल्स हो गई। तो होना चाहिए क्या, पी एक्स की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए इस, लेकिन पी एक्स की डिग्री इससे कम है, तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा हमारा डिवीजन। तो ये वाली कंडीशन को आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है, हम जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक पी एक्स की डिग्री या तो जी एक्स से बड़ी हो या फिर इक्वल हो। इस केस में पी एक्स की डिग्री जी एक्स से कम हो गई, तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए कोसेंट क्या है, हमारे पास ये कोसेंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये डिविडेंड है और ये डिवाइज है। तो हम इस कंडीशन में भी इसको राइट कर सकते हैं, गिवन कंडीशन पी एक्स, वैल्यू ऑफ पी एक्स हमारे पास थी थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जी एक्स, वैल्यू ऑफ जी एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, मल्टीप्लाई में वैल्यू ऑफ क्यू एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस, प्लस में क्या है हमारे पास रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास है नाइन एक्स प्लस टेन। तो डिवाइड करने पर आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हो। अब जैसे देखिए आर एच एस को आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो एल एच एस के इक्वल आएगा ऑलवेज। अगर आप ये जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स को सॉल्व करके उसमें प्लस करेंगे 9x प्लस 10 टोटल कंप्लीट सिंप्लीफाई करके ये सी के इक्वल आएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो डिवाइड ऐसे करते हैं, ये डिवीजन एल्गोरिथम के एक एग्जांपल हमने दिया है, पूरा कंप्लीट आपको रिमेंबर ऑलवेज ये रखना है और कंडीशन ये याद रखनी। अब ये भी पूछ सकता है कि वो फैक्टर कब होगा, डिवाइड करने की फैक्टर की कंडीशन हमारे पास, इसको भी याद रखनी है आपको। रिमाइंडर जब जीरो आएगा तो इसका मतलब जी एक्स पी एक्स का क्या होगा फैक्टर। इसके बाद ये एग्जाम्पल डिस्कस किया है, और भी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।